ओके मॉम, मैं कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ। अरे सचिन ब्रो, कॉलेज जा रहे हो क्या ब्रो? हाँ ब्रो, क्यों तुम नहीं जा रहे क्या? नहीं यार, एक्चुअली हम जा रहे थे बट हमारी गाड़ी पंचर हो गई। ओह शिट, तो राजू ब्रो अपनी अल्टो ले आएंगे ना? सॉरी ब्रो, तुम्हें पता तो है पापा मेरे को लग्जरी कार्स नहीं चलाने देते। ओ हाँ, तो फिर हम तुम्हारे साथ चलेंगे। सॉरी यार, मैं तुम्हें आज अपने साथ नहीं ले जा सकता। क्यों, हम तो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है ना? अरे हाँ, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड तो हो, पर मेरी अगर गर्लफ्रेंड को पता चल गया ना कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कॉलेज आया हूँ तो मेरा ब्रेकअप हो जाएगा यार। ठीक है, कॉलेज में मिलते हैं, बाय। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई कॉलेज की बस का वेट कर रहे हैं, बस ही ना आ रही यार। अरे ना आ रही तो क्यों दिक्कत ले रहा है? तुम्हारे भाई ने जोटा ले रखा, यो किस काम आएगा? आओ बैठो। बैठे हैं का भाभी के सर पे, जगह तो है भी ना। 1, 2, 3, 4, 5, यो बात भी सही कह रहा है। ओए, यो तेरे पापा जैसो लग रहा है ना? पापा जैसो क्या, पापा ही है मेरे। पर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? कर के रहे हैं, खट्टे मीठे का मजा ले रहे हैं। तू एक काम कर, नीचे उतर। क्यों? अरे उतर तो। मुझे क्यों उतारा? अब एक काम कर, अपने पापा के साथ आ जाइए कॉलेज, मैं इन्हें लेके जा रहा हूँ। ओए बैठो रे। यार ये लंच कब होगा? मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है। थोड़ी देर में लंच होने ही वाला है ब्रो। वैसे क्या लाई है तू लंच में? रसीले सैंडविच। और तू? पास्ता। हाँ बस जल्दी से अब लंच हो जाए। हो गया लंच। यार ब्रो, आज ना मैं अपना लंच लाना भूल गया, तुम शेयर करोगे अपना लंच मेरे साथ? हाँ, मेरी मम्मी ने तेरे साथ ही लंच तो शेयर करने के लिए भेजा है। सॉरी ब्रो, जब आप कल लंच लेके आओगे ना तो शेयर करेंगे। चल लंच करने चलते। बच्चों, मैं आज तुम्हें ऐसी चीज सिखाऊंगा जो आज तक किसी ने भी नहीं सिखाई हो। नीचे दिए गए चित्र। आज सुबह सुबह भूख कैसा लग गया ये? ओए, रोटी लेकर आया? ना मैं ना लाया। रोटी लेकर आया? ना भाई, मैं तो ना लेकर आया। बच्चों, कोई आवाज नहीं करेगा, मैं 2 मिनट में आया। क्यों इतना सारा खाना किसका रखा है? अरे वो सैरी पप्पू का बाप देख गया है प्रिंसिपल खातर। प्रिंसिपल खातर? अरे एग्जाम आ रहे हैं, नंबर बढ़वाने हैं। देख वो लिख चल दिया। तो हम के प्रिंसिपल तक कम है, आ जा खाने का जुगाड़ होगा। ओए भाई, मेरा तो भरगा, तुम्हें चाहिए कुछ और? ना भाई, मेरा भरगा फुल। चले तो फिर। सोना तो है, एक बात बता, तू इतना सोना पहन रहा है, असली है नकली है? असली है यार, तेरा भाई नकली पहनेगा के? खुले आम तू इतना सोना पहन रहा, डरना लगे? थोड़ी बहुत तो दिक्कत रहती है, पर क्या करें, आने वाले टाइम में गोल्ड ही काम आएगा। अगर आने वाले टाइम के लिए सोच रहे हो तो मोबाइल से डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते? डिजिटल गोल्ड, ये क्या होता है? डिजिटल गोल्ड का मतलब है आप गोल्ड को डिजिटली खरीद सकते हैं अपस्टॉक गोल्ड ऐप से, बहुत ही आसानी से और 100% सेफ एंड सिक्योर है, एकदम भरोसेमंद तरीका है, तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। अच्छा और बता इसके बारे में, कहाँ से मिलता है ऐसा गोल्ड? अपस्टॉक गोल्ड पर 24 कैरेट 99.9% प्योर गोल्ड मिलता है और आप इस डिजिटल गोल्ड को कहीं भी और कभी भी बेच सकते और खरीद सकते हैं, वो भी लाइव मार्केट के रेट पर, वो भी 24/7 कन्वेंस के साथ, और आप यहाँ पर 1 रुपए से परचेज कर सकते हैं और बाकी आपकी पॉकेट के अनुसार है। फिर भी एक्स्ट्रा चार्ज तो देने ही होते होंगे इतनी सुविधा की वजह से। इस पर आपको किसी भी तरह का कोई मेकिंग चार्ज नहीं देना होता, बस 3% GST देना होता है, ये भी इसकी खासियत है। पर यही अपस्टॉक गोल्ड से डिजिटल गोल्ड क्यों लूं? क्योंकि ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है और इसके 30 लाख से ज्यादा कस्टमर्स भी हैं। अपस्टॉक गोल्ड ऐप पर आप मात्र 1 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बाकी ये बहुत ही जल्दी होम डिलीवरी भी शुरू करने वाले हैं। और अभी अपस्टॉक गोल्ड पे अकाउंट भी फ्री में खुल रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके ऐप को डाउनलोड करिए
और डिजिटल गोल्ड में जाके इन्वेस्टमेंट शुरू करिए। वैसे सकल तो इतना समझदार ना लगा तू, पर है बहुत समझदार। चल मैं तो चला डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करने। क्या हुआ ब्रो, इतने सैड क्यों बैठे हो तुम? अरे ब्रो क्या बताऊं, कल मेरे पापा ने ब्रो मेरे को रेंजर साइकिल दिलवाई थी। तो इसमें सैड होने की क्या बात है ब्रो, मेरे पापा ने तो आज तक मुझे एटलस भी नहीं दिलवाई। अरे ब्रो जैसे ही मैं उस पर बैठा ना उसके प्राण निकल गए। ब्रो वो लड़की देख रहे हो तुम, अभी अभी मुझे ना उससे प्यार हो गया है। तो ब्रो जाके कह दो ना। सही कह रहे हो ब्रो, आप यहीं बैठो मैं उसे कह के आता हूँ। अरे ब्रो खाली आज जा रहे हो, कुछ ऐसा लेके जाओ ना ब्रो जो लड़कियों को पसंद हो। गुड आइडिया ब्रो। हे पिया आई लव यू ब्रो। आई लव यू टू। क्यों बोलू मैं? क्योंकि मेरे पास एक प्लेट मोमोज है। मोमोज खाए? अच्छा बेबी अब हम शादी कब कर रहे हैं? शादी? हाँ अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन चुकी ना, तो अब शादी तो करेंगे हम। ओ शिट यार, मुझे ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए जो मेरे साथ शादी वादी के सपने सोचे। गेट लॉस्ट। और हाँ कल एक प्लेट मोमोज के पैसे ले आना। भाई जतिन तूने पूरे 3 साल हो लिए छोरी देखते देखते, देखता रहे और हंसता रहे तू। यार इसमें ऐसा पता ना की है, देखते ही कलेजे में ठंडक सी पड़ जावे। तो भाई एक काम करना, आज जाके प्रपोज कर दे। अरे यार प्रपोज तो मैं भी करना चाहूँ पर। भाई परवर क्या, तुझे मेरी कसम है जाके अभी बोल दे। हाँ। अरे यार अभी टाइम ना आया, जैसे टाइम आएगा ना मैं जाके अपना आप प्रपोज कर दूंगा। टाइम सही आज ही है, जाके अभी बोल चल। अरे यार यार दीप्ति तुझसे कुछ कहना था। हाँ यार बोलो क्या बात करनी थी। यार वो देख अगर तुझे बुरा लगे ना तो तू अभी बता दियो, बस बात करना बंद मत करियो। अरे बाबा पहले बोलो तो सही। यार वो क्या? वो यार वो शादी करनी है तुझसे। मतलब डायरेक्ट शादी? हाँ हम देसी तो सीधा शादी करते हैं। जिया आई लव यू। राजू यार तुम भी अगर मुझे ऐसे रोज देके प्रपोज करते ना तो मुझे ज्यादा खुशी मिलती। तेरी खुशी के लिए तो मैं इस कॉलेज में आग लगा दूं। एक मिनट रुक। पिया मुझे पास कर, मुझे जल्दी 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 पिया मुझे पास कर मुझे। अरे मैडम कभी मारी गेल भी खेल लिया करो। हम भी आपके साथ खेलने के बोले। बदतमीज बदतमीजी, चलो मैडम को बदतमीजी करके दिखाते। छुट्टी हो गई कॉलेज की पर मुझे किसी ने बॉल पास नहीं की। चलो कोई नहीं ब्रो कल देखेंगे, अब घर चलते हैं। अरे मैडम कभी बदतमीज लोगों के साथ चाय पीने चल दो। अरे ब्रो वो देखो पिया से कुछ लोग बदतमीजी कर रहे हैं, चलो चल के उसे बचाते हैं। छोड़ो ना ब्रो, उसने मुझे सुबह बॉल पास नहीं की, अब हम उसकी कभी हेल्प नहीं करेंगे, चलो घर चलते हैं। यार तू यहाँ खड़ा है, मैं तेरे बाहर ग्राउंड में ढूंढ रहा था। बॉल के बात होगी? बात तो की होती, ताश खेले? ताश? ताश कहाँ है? ये रे चल चले कहाँ, यहीं बैठ के खेलेंगे। हाँ चल यहीं बैठ जा।
पर यार दो में मजा ना आएगा, एक काम कर दीप्ति ने और अंकुर ने बुला ले। दीप्ति भाई, दीप्ति ना आएगी यार। क्यों भाई? लेक्चरर ने बहुत बुरी सुना दी, सुबह से क्लास में बैठी, बाहर भी ना आई। तो तू दो मिनट रुक, मैं एक बार दीप्ति ने लेकर आया। जल्दी आइयो। ओए आज तो तू बड़ी खुश लग रही है, आ बाहर चल के खेलेंगे। नहीं जतिन, मेरा मन नहीं है। अरे यार मन के ना आना चल रहे हैं। प्लीज जतिन, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, तू जा। देख यार मैं बाहर अंकुर और शिवम ने बैठा के आया हूँ, अगर ना गए तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। आ जा। हाँ भाई सीप के बांट दू, लेकिन कोई चीटिंग ना करेगा और जो भी हारा 200 रुपए देगा। इसका मूड कैसे ठीक करूं? ओए मेरे पत्ते क्यों देख रही है तू? तू पागल है, कितना झूठ बोल रहा है, कहां देख रही हूं मैं तेरे पत्ते? अरे ओए झूठी तू है, मैं ना काम मका। बहुत बदतमीज हो गया, आज के बाद मुझसे बात मत करियो। अरे मैडम जी कैसे गुस्से में लाल हो रहे हो? तुम लोग अपने काम से काम रखो। ठीक है मम्मी चला जाऊंगा, कोई दिक्कत ना है। ठीक है ठीक है भाई, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे यार खेत में जाना है, कल पानी चला के आया था, अब जाके बंद करूंगा। इतनी धूप में भाई रात में चले जाइयो। अरे ना यार आज ही जाना पड़ेगा। भाई जो देखियो कैसे बालक दीप्ति चढ़न लग रहा है, भाई हाथ कैड कर ले। भाई दोस्त है अपनी। ओए मैडम जी का कहना है अपने काम से काम रखो, चलो मैडम जी को काम दिखाते हैं। चलो फिर लगो काम पे। जतिन मैंने तुझे थप्पड़ मारा। अरे फिर रो क्यों रही है, हम दोस्त हैं, दोस्त में तो इतनी चलती रहे, तू थप्पड़ के तेज जैसी दोस्त के लिए मैं गोली खा लूं, लेकिन कल चुपचाप 10 वाली गड्डी ले आइयो ताश की, कामों का 10 रुपए का नुकसान कर दिया। हेलो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना, और आप भी बहुत आसानी से डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फ्री में अकाउंट ओपन करो और इन्वेस्टमेंट शुरू करो।